गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो मुझसे ऑलमोस्ट सारे लोग पूछते हैं कि जब आप पेशेंट को IVF के ओबम पिकअप के बाद फ्रीज ऑल का डिसाइड करते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आप अगर 120 वाले पैकेज में है रेगुलर गोनाड्रोपिन से तो आपको 40,000 एक्सेस लगेगा, या 180 वाले में तो भी 40,000 एक्सेस लगेगा। तो वो मुझसे पूछते हैं कि 40,000 रुपीज़ किस चीज़ का एक्स्ट्रा लगेगा और हमें फ्रीज ऑल पे क्यों जाना है। नमस्कार, मैं दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मेरी वाइफ डॉक्टर रिंकू बैनर्जी एक बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट हैं, बेटी ईशानी एक बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं। ये जो क्वेश्चन है कि दो क्वेश्चन थे इसमें, एक तो आप फ्रीज ऑल में क्यों जा रहे हैं और दूसरी बात आप फ्रीज ऑल में एक्स्ट्रा पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं बेसिक IVF के खर्च के साथ। इसको लेके जो कंफ्यूजन है वो देवेन जी किससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं दूर करना चाहता हूँ। पहली बात जो क्वेश्चन है कि मैं IVF में फ्रीज ऑल में क्यों जाता हूँ और कब जाता हूँ, क्या क्राइटेरिया होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्राइटेरिया पहले से डिसाइडेड नहीं रहते हैं। दूसरी बात, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो सक्सेस रेट है वो आपको भी मालूम है, आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें सक्सेस रेट फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से थोड़ा बेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारा फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। बट क्या हम सबका फ्रीज ऑल जाते हैं? ऐसा नहीं है। फिर हम किसका फ्रीज ऑल जाते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। फ्रीज ऑल कंडीशन जब हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, सारे एम्ब्रियो फ्रीज कर लेंगे, तो हम कब जाते हैं? हमने इधर से IVF किया और ये भ्रूण बनाया। अब इस भ्रूण को या तो मैं 5 दिन बाद यहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, उसको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। ये 120,000 रेगुलर गोनाड्रोपिन या फिर 1,80,000 1,80,000 आज की डेट में, यदि हम साथ में और भी एड ऑन लगाते हैं, ग्रोथ हार्मोन लगाते हैं, तो ये प्लस होता है उसमें। ये यदि हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते? तीन कंडीशन मोस्टली रहती है। एक होती है कि यदि हमको डे 8 या डे 9 या फिर ऑन द डे ऑफ HCG यदि हमारा P4 बढ़ा आया, मोस्टली 1.5 या फिर 1, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं किसको P4 ज़्यादा मानूँ। प्रोजेस्टेरॉन यदि बढ़ा आया उसमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मैं अवॉइड करता हूँ। दूसरा, किसी पेशेंट को PCOD है या फिर हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है और OHSS मतलब ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का खतरा है, जिसमें उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में, जिसमें HCG का ट्रिगर देना खतरा लगता है, तब हम इसमें ल्यूपराइड का ट्रिगर देते हैं। ऐसे केसेस में हम फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं करते, अवॉइड करते हैं। कई बार मैं एक टाइम ट्रांसफ़र करता भी हूँ पेशेंट का कंसेंट से, फिर इसमें FET का ल्यूटियल फेस सपोर्ट देता हूँ, ये अलग मुद्दा है। तीसरा, कई बार ओवेरियन स्टिमुलेशन में IVF की जब हम ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं अंडा बनाने के लिए, तो जो एंडोमेट्रिया में मतलब बच्चेदानी की जो लाइनिंग है जहाँ पर भी हमको भ्रूण बिठाना है, ये यदि उचित मोटाई की नहीं हुई, जैसे 3 या 4 मिलीमीटर की रह गई या 5 मिलीमीटर की रह गई, 6.5 मोर देन 6.5 नहीं हो पा रहा किसी भी तरह से, तब हम ऐसे केसेस में फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते। कई बार इसमें से ब्लीडिंग भी होने लगती है एट द टाइम ऑफ ओवम पिकअप, तब भी हम फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं करते। ऐसे केसेस में हम फ्रीज ऑल में जाने बोलते हैं। फ्रीज ऑल मतलब हम कोई ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये पूछा जाता है कि ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट के अलावा आप जो 40,000 कितना 40,000 जो आप एक्स्ट्रा मांगते हैं हमसे, वो किस बात के, ऐसे पूछते हैं। यस, इसका एक आपको एक रीज़न बता रहा हूँ। सबसे पहला, जो एम्ब्रियो बनते हैं, जो भ्रूण बनते हैं, यदि मान लीजिए कि वो ज़्यादा बने, तो हमको उनको एक फ्रीजिंग स्ट्रॉ में रखना पड़ता है। मोस्टली हम 2 या 3 मैक्सिमम एक स्ट्रॉ में रखते हैं। ये फ्रोजन स्ट्रॉ महंगे आते हैं, 5,000 ईच। यदि मान लीजिए कि आपके 4 या 5 एम्ब्रियो बन गए, तो आपके 2 स्ट्रॉ लग गए।
इससे ज़्यादा यदि बने तो ये मान के चलिए कि हम आपसे 5000 इसके अलावा भी चार्ज करने वाले हैं, क्योंकि दो स्ट्रॉ तक तो हम इसको मैनेज करते हैं 40,000 में, तो यहाँ एक खर्चा है। दूसरा जो खर्च का मैंने लिस्ट बनाया था, इसको रखने के लिए हमको लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ता है, ये कम से कम 2 महीने तो रखना ही पड़ता है। फिर आपने यदि एक स्ट्रॉ यूज़ किया तो दूसरा स्ट्रॉ को रखना पड़ेगा और लंबा, इसका यदि ज़्यादा लंबा रखते हैं तब हम इसका एक चार्ज लेते हैं, ये इसके अलावा है, ऐसे ही है। यस, तो 2 स्ट्रॉ को हमको यूज़ करना पड़ा आपके यदि फ्रीज ऑल में जा रहे हैं। हमको इसको फ्रीज करने के लिए एक फ्रीजिंग मीडिया मंगानी पड़ती है जो कि इम्पोर्टेड होती है, तो फ्रीजिंग मीडिया एक खर्च आ गया। इसको जब हम थॉ करेंगे तो हमको एक थॉइंग मीडिया लगा, ये भी इम्पोर्टेड होती है, ये बहुत कॉस्टली होती हैं, एक एक डिब्बी 5,000-6,000 की एक एक डिब्बी होती है। इसके बाद जब हम इसको ट्रांसफ़र करने के लिए पेशेंट को दवाई देंगे तो वो दवाई मैं दे रहा हूँ इसी 40,000 में, प्लस यहाँ पर मैं एक E2P4 करा रहा हूँ ब्लड टेस्ट, इसका 10वें या 12वें दिन फिर से E2P4 हो रहा है, मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का ऐसे हो रहा है, मुझे 2-3 बार अल्ट्रासाउंड करने पड़ते हैं। आप देखोगे यदि जो बाहर से अल्ट्रासाउंड कराते हैं उनको एक अल्ट्रासाउंड का खर्च देना पड़ता है, मैं इसी में वो करता हूँ, ऐसी है। Yes. इसके बाद जब हम इसको ट्रांसफ़र करना होता है तो हम इसको 5 दिन तक नॉर्मली, जो मैं प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन नहीं देता हूँ, मुझे डेली देने पड़ते हैं, प्लस ईस्ट्रोजन का मात्रा बढ़ाना पड़ता है, जो नॉर्मली मैं ईस्ट्राडियोल 2 देता हूँ या 4 देता हूँ, एक कैप्सूल देता हूँ प्रोजेस्टेरोन के, और उनको बोलता हूँ कि एक चूँकि इसमें फिट नहीं बैठता है तो मैं डाइड्रो पून या फिर डूफास्टॉन ये परचेज़ करने बोलता हूँ, ऐसी है। इतना 14 दिन का देने के बाद फिर हम इसका एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हैं, बीटा HCG, ये भी इसी में शामिल है। तो कुल मिला के यदि आप इसका खर्च देखोगे तो इसके साथ हम केवल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे, बाकी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो बाकी चीज़ें लगनी है, यदि हमको यहाँ पर नॉर्मली हम इसको 45,000 रखे थे, चूँकि हमको यहाँ 5,000 की एक बचत होती है तो हम इसमें से ये घटा दिए तो ये 40,000 आया, ऐसे ही। Yes. ये एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये 40,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। इस 40,000 से एक्स्ट्रा और बढ़ सकता है यदि आपके एम्ब्रियो ज़्यादा बनते हैं, तो तब हमको स्ट्रॉ ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, तब हम 5,000 पर स्ट्रॉ आपसे लेते हैं, प्लस इस स्ट्रॉ को रखने के लिए LN2 में पर मंथ जितना कितना लेते हैं, पर ईयर लेते हैं, पर ईयर लेते हैं, पर ईयर कितना खर्चा, 10,000 रुपीज़ एक्सेस, 10,000 रुपीज़ पर ईयर। यदि ये आप देते हैं तो हम बाकी स्ट्रॉ को मेंटेन करेंगे, यदि आप ये नहीं देते हैं तो इनको रखने की हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहती, जो कि आप कंसेंट में लिखा है, कंसेंट जब आप कंसेंट या अनुमति या सहमति पत्र देते हैं उसमें ये आप पढ़ लीजिएगा, ये लिखा रहता है। तो ये चीज़ें एक IVF करते समय और IVF करने वाले करवाने वाले कपल के बीच में एक क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि इस किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं और ये पैसा क्यों ज़रूरी है। आशा है आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारे आपके कंफ्यूजन दूर होंगे, और यदि इसके बाद भी आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप देवेन जी से या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। हर चीज़ में कोशिश ये रहती है कि हम अपना बेस्ट दे सकें। बहुत बार बहुत अच्छे ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करने के बाद भी ये ट्रांसफ़र सक्सेसफुल नहीं भी हो सकते, पर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हाल ही में 0.03 AMH में, जिसका पीरियड ऑलमोस्ट बंद हो गया था, 2-2, 3-3 महीने में आता था, उनका ओवेरियन रिजुविनेशन करने के बाद 2 महीने बाद डबल स्टिमुलेशन किया, पहले स्टिमुलेशन में कोई एग नहीं मिला, ल्यूटियल फेज स्टिमुलेशन में उसके 2 एग मिले, दोनों ब्लास्टोसिस्ट बने, उनको फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद 3 या 4 महीने बाद उसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, कल जो रिपोर्ट आई है उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है। ये एक बाय गॉड्स ग्रेस ऊपर वाली कृपा से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे केस जिसमें कि ऑलमोस्ट मीनोपॉज हो रहा था, हो गया था, 0.03 AMH था,
ओवेरियन रिजुविनेशन करके ल्यूटियल फेज में दो एग्स मिले, उससे ब्लास्टोसिस्ट बना। मुद्दे की बात यह है कि आप यदि कोशिश करते हैं, आप यदि ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने वाले को ही जीत मिल सकती है। अदरवाइज़ बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, वैसे केसेस हम कोशिश करते हैं लेने की और उनको हेल्प करने की। यदि आप ये वाला वीडियो अभी तक सुन रहे हैं या जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े और लोगों के पास ये मैसेज जाए। आप इसका नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि नए वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। आप हमारे सोशल मीडिया की जो दूसरे माध्यम हैं, जैसे फेसबुक या फिर ट्विटर में या फिर इंस्टाग्राम में जाके भी आप अपने कमेंट्स या अपने सुझाव रख सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।